हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे पीछे के व्यू को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग फिर से एक नई ट्रिप पे निकल गए हैं। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं कनाताल को। व्यू बहुत सुंदर है वहाँ पे, और अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो हमारे को स्नो भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे। कनातल पहुंच चुके हैं और नीचे हम लोगों ने गाड़ी लगा दी है, और अभी थोड़ा एक यहाँ से बहुत ज़बरदस्त सीनिक व्यू था तो उसके लिए रुके हैं, क्योंकि जाना तो हमें कहीं है नहीं, इधर ही कनातल ही लोकेशन थी। तो वैसे बहुत बड़ा कुछ है नहीं कनातल, बस सीनिक व्यू बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम लोग कनाताल से निकल गए हैं और धनौल्टी साइड में एक जगह पड़ती है कद्दूखाल। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो टाइम हो गया स्नोफॉल हुए हुए, मतलब जो भी थी वो 2-3 दिन पुरानी है, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है और मंदिर भी है, तो सोच रहे आए तो मंदिर भी होते हुए चले। यहाँ पे लगता है रोड क्लीनिंग का काम चल रहा है और स्नो काफ़ी ज़्यादा है तो गाड़ी निकल नहीं पा रही है, तो वहाँ पे ये कुछ JCB लगी हुई है जो रोड क्लीन करने का काम कर रही है। अभी हम लोग जाम में अटक गए हैं, आधे घंटे से ऐसे ही खड़े हुए हैं, ना कोई आगे आ रहा है ना जा रहा है। वो एक बंदा दूसरी रॉन्ग साइड से लेके आ गया, तो उसके पीछे पीछे सब अपनी रॉन्ग साइड से लेके आ गए गाड़ी, और पुलिस वाले भी कुछ कर नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं बस। यहाँ पे लोग दिखाता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है आगे। भाई साहब, अगर आप उनको रोक देते ना पीछे ही अपनी गाड़ी को तो कुछ ना लगता। किसकी है? एक सोशल मैसेज है कि पहाड़ों पे आने से पहले पहाड़ों पे गाड़ी चलानी कैसे वो सीख लो। इसमें ये है कि लाइक जो गाड़ी ऊपर आ रही होती है, जो चढ़ रही होती है, उसको साइड देनी होती है, और अगर आप ढलान पे हो, आप नीचे उतर रहे हो, तो आपको साइड देनी, पर वो बंदा का मूवमेंट बना हुआ है और वो बीच में नहीं रुक सकता कि लोग आ रहे हैं, जगह नहीं है साइड में, फिर भी लेफ्ट साइड वाले रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं, राइट साइड पे चला रहे हैं, और जो सामने से गाड़ी चढ़ी हुई आ रही है उसके मुंह पे लगे गाड़ी खड़ी कर दी। अभी पूरे स्कीट हो रखा, मतलब स्कीट के नीचे कीचड़ कीचड़ हो रखा है बर्फ़ का, तो वो गाड़ी कहीं जा नहीं पा रही, वो खड़ी खड़ी वहाँ पे रोल कर रही है। अगले वाला बंदा दांत दिखा के, जो लोकल के लोग हैं यहाँ पे वो उनकी हेल्प करते हैं कि यहाँ चलाओ वहाँ चलाओ साइड में कर लो, तो वो उन्हीं पर ही आर्ग्यू करते हैं कि उसको रोको इसको रोको, ये नहीं देखते कि वो खुद कैसे गाड़ी चला रहे हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं कनाताल के लिए। धनौल्टी साइड आए में थे तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, मतलब जाम लगा रखा है, लोगों ने गाड़ियाँ फंसा रखी है,
तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वापस ही चलते हैं कनाथल में, वहीं पे स्टे करते हैं। मेरी जस्ट अभी मेरे बाइकर ग्रुप में बात हुई तो वहाँ पे मुझे सजेस्ट करा कि तुम कनाथल की जगह पे कद्दूखाल में भी रुक सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कनाथल की तरह। और लास्ट जब हम लोग आए थे तो हम लोग कनाथल पर रुके थे समर में जब आए थे, तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड करा कि क्यों ना कद्दूखाल में रुक जाते हैं, बिकॉज कर्नाटक में तो हम लोग डेफिनेटली नहीं रुकने वाले थे बिकॉज ऑफ क्राउड। तो अभी हम लोग कद्दूखाल में ही कोई कैंप साइट देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग रुके, और आज वहीं पर रुकेंगे और उसके बाद कल का देखते क्या प्लान बनता है। अभी हम लोगों ने चाय पी ली है, मैगी खा ली है, और जो कैंप के ऑनर है भैया उन्होंने बताया कि आप ऊपर साइड जाओ और वहाँ पे जो सनसेट है वो एक नंबर है, कह रहे बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको जाके। तो अगर आप रुक रहे हो तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। सो अभी हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं नज़ारों का मज़ा लेने के लिए। अगर आप लोगों को व्यू देखना है और थोड़ा ऑफ बीट प्लेस चाहिए जहाँ पे क्राउड ज़्यादा ना हो तो कनाथल इज़ अ परफेक्ट प्लेस, जहाँ पे आके आप बहुत सुंदर ये सनसेट का व्यू ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। ऋषिकेश से 2-2.5 घंटे लगते हैं पहुँचने के लिए, लेकिन जो व्यू है यहाँ से बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि लोगों को धनौल्टी से ज़्यादा कनाथल आके रुकना चाहिए। तो अभी व्यू देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा 360 यहाँ से।